बहुत अच्छा रिजल्ट। और जिसने जिसने लगाई है वो लोग हमेशा बोलेंगे कि थैंक यू दीदी, आपने हमें खांड बताई, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। देखो भाई, करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, अब ये जो फंक्शंस होते हैं ऐसे में हम रिश्तेदारों के घर जाते हैं, रिश्तेदार हमारे घर पर आते हैं और चेहरे के ऊपर अगर चमक दमक लगती है, घर साफ सुथरा होता है तभी अच्छा लगता है। अब घर की सफाइयां आपने कर ली होंगी आई एम श्योर, शॉपिंग वगैरह भी आप बहुत ज्यादा कर रहे होंगे तो स्किन तो बहुत ज्यादा टायर्ड हो ही रही होगी, तो और उसमें से अगर पार्लर जाके लंबा लंबा टाइम वहां पे वेस्ट करना पड़े तो और ज्यादा हेक्टिक होने लगता है और चेहरे के ऊपर और ज्यादा हमें डलनेस दिखाई देती है। तो क्यों ना हम 2 से 3 चीजें ऐसी रेगुलर अभी से करना शुरू कर दें जो हमारे स्किन के ऊपर एक ग्लो लेके आए, चमक लेके आए। आप पार्लर में जाके क्लीनअप कराते हैं, आई एम श्योर 500-600 रुपए तो आपके क्लीनअप में खर्च होता होगा, वो आपको अभी 5 मिनट में आपको अपनी स्किन के ऊपर मात्र 2 से 3 रुपए में मिल जाएगा। ये क्लीनअप ऐसा है जो कि वर्ल्ड बेस्ट है, क्योंकि इससे हमारी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन की लेयर इकट्ठी हो जाती है, व्हाइटेड ब्लैकेट इकट्ठे हो जाते हैं, वो सारे के सारे निकल जाते हैं। तैयार कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने जो चीज इसमें यूज करनी है वो हमने करना है जी यूज कर्ड, यानी कि दही। ये देखिए जी, मेरे पास एकदम गाढ़ा दही है, अगर आपके पास में मार्केट वाला है वो भी चलेगा, आप थोड़ा सा उसको छान लीजिएगा, उसका पानी नथर जाए बस इतना कर सकते हैं। नथरने के लिए आप उसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे कटोरी के ऊपर, उसके ऊपर आप दही रखेंगे तो उसका पानी जो होगा ना 2 से 3 मिनट में ही निकल जाएगा, तो आपको ये दही मिल जाएगा। इसके साथ में हमने इसमें मिलानी है चुटकी भर कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी आपकी स्किन की कैसी भी कंडीशन है ना उसको फिक्स करने का काम करती है, क्लीन करने का काम करती है, और कस्तूरी हल्दी हमारी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को फेयर भी करती है, तो ये हमने कस्तूरी हल्दी इसमें ऐड ऑन करनी है। इसके साथ में अब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसमें डालेंगे 2 से 3 कतरे नींबू के, अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो उसकी जगह पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं आलू के रस का भी, ठीक है। मैं टमाटर अपनी स्किन के ऊपर लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रेदर देन नींबू, क्योंकि नींबू मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर देता है स्किन को, मेरी कहते हैं ना डिस्टर्ब करना उसको, वो कर देता है, तो मैं वो चीज़ नहीं यूज़ करती हूँ। तो अगर आप नींबू के साथ में कंफर्टेबल है, आप नींबू लगाते हैं अपनी स्किन पे, तो 1 से 2 कतरे, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं मिक्स करना है, और उसके साथ में अगर नहीं तो आप आलू का रस इसमें मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में विटामिन सी की प्रॉपर्टीज होती है जो स्किन को क्लीन करती है। तो ये हमारे चेहरे का पहला क्लीनअप तैयार है, इसको यूज कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लगाना है। मेरे चेहरे के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आंखों के ऊपर थोड़ा सा अपना लाइनर लगाया है, लिपस्टिक लगाई है, थोड़ा अच्छा लुक लगता है इसीलिए, और क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से बीमार थी और बीमारी में कुछ करने का दिल नहीं करता, तो आज जब मुझे लगा कि मैं थोड़ा ठीक हो रही हूँ तो मुझे लगा थोड़ा और ज़्यादा ठीक होना चाहिए, तो मैंने अपना थोड़ा सा स्किन केयर करना स्टार्ट किया। मुझे लगा कि भैया ऐसे तो बैठे नहीं रह सकते, मैं और ज़्यादा बीमार सी मुझे फील होगा, जबकि मैं पहले से बेहतर हूँ। कल मैं डॉक्टर के पास होके आ गई थी, सोचा अपडेट दे देती हूँ, तो यस मैं कल डॉक्टर के पास हो आई हूँ और इंजेक्शन लगाया है उन्होंने मुझे, वायरल हुआ था मुझे 3-4 दिन से, अगर आपने देखा हो तो मेरा चेहरा वेरा बिल्कुल उतर गया था, अभी भी स्वेलिंग है मेरे फेस के ऊपर बट ठीक है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से हम इसको लगाएंगे अच्छे से। अच्छा ये आपने रखना फेंकना नहीं है, क्योंकि इसी में हमने हमारा जो आगे का स्टेप है उसको करना है, ठीक है, जिसमें हम अपनी स्किन की स्क्रबिंग करने वाले हैं, ओके। तो इसको आपने फेंकना नहीं है, सबसे पहले क्लीनअप कर लेते हैं उसके बाद में स्क्रबिंग तैयार करते हैं। 2 से 3 मिनट तक खाली रब करेंगे, कुछ नहीं करना है इसको, बस आपने इस तरीके से मसाज कर लेनी है, ठीक है। और इसके बाद इसको आपने लगा रहने देना है, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी के ऊपर ही अब हम करने वाले हैं हमारे चेहरे की स्क्रबिंग, ठीक है। स्क्रबिंग के लिए मैं ले रही हूँ मेरी वर्ल्ड बेस्ट खांड। खांड जिस भी रेमेडी में यूज़ करती हूँ उस रेमेडी का असर दुगना तिगना नज़र आता है, क्योंकि ये हमारे चेहरे की इतनी अच्छे से पॉलिशिंग कर देती है कि आप पार्लर जाना तो बिल्कुल भूल ही जाओगे। और ये देखिए जी किस तरीके के होती है खांड, मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत लोग पूछते हैं कैसी होती है, देखिए ऐसी खुरदुरी सी ना दरदरी से आपको ये खांड मिल जाती है, बहुत आसानी से राशन की दुकान पर मिल जाती है आपको ये, और नहीं तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। अभी तो मैंने आप लोगों के साथ में लिंक भी शेयर कर दिया कि वहां से आप जाके परचेज कर सकते हैं। तो एक हमने इसमें डाल देनी है जी अच्छे से खांड, बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम अपने चेहरे के ऊपर दोबारा से लगाएंगे, क्योंकि ये पेस्ट जो है ना अब खुरदुरा हो गया है, मतलब कि स्क्रबिंग के लिए तैयार हो गया है। तो इसको हम अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर लगा के अब आपने करनी है फिर से 3 से 4 मिनट की मसाज। अच्छा इसको बना के आपने रखना नहीं है, खांड को जैसे आप डालेंगे इसमें, क्योंकि खांड जो है ना ये मिक्स हो जाती है बहुत जल्दी, मेल्ट हो जाती है, तो आपने तुरंत ही अपने चेहरे के ऊपर इसके साथ में मसाज करनी शुरू कर देनी है, ऊपर जमी हुई डेड स्किन को हटाए। तो ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, 3 से 4 मिनट में आपकी स्किन एकदम लाइट मारने लग जाएगी, देखो कितने अच्छे से एकदम से शाइन आने लगता है। और जब जब मैंने खांड लगाई है
बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट। और जिसने जिसने लगाई है वो लोग हमेशा बोले कि थैंक यू दीदी, आपने हमें खांड बताई, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। देखो ये देखिए, बेस्ट काम करती है। अब हम इसको भी लगे रहने देते हैं, ठीक है। आप चाहें तो वॉश कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तैयार करेंगे हमारे फेस का एक फेशियल क्रीम, जिसमें हम एंटी एजिंग की भी बात करेंगे और क्या ऐसी चीज़ हम अपने चेहरे पे लगाएं जो हमारे चेहरे के ये जो रिंकल्स हैं, एजिंग लाइन है, फाइन लाइंस हैं, दाग धब्बे हैं, पहली बार में ही कैसे हम इसको गायब कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके पहले हम तैयार कर लेते हैं हमारे फेस का पैक, जिसके लिए मैं ले रही हूँ करीब 1 चम्मच बेसन। इसमें मैं दोबारा से डालूंगी थोड़ा सा टमाटर का रस, थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो चीज़, वो मैजिकल पत्थर है। ये अगर आप अपने घर में रखते हैं, आपने देखा होगा, ये है वो मैजिकल पत्थर। ये देखिए, ये है टुकड़ा फिटकरी यानी कि एलम। आपने देखा होगा अक्सर आपके हस्बैंड के जो शेविंग किट का बैग होता है, या घर में नॉर्मली भी हम फिटकरी रखते हैं। नॉर्थ साइड में जब पानी खराब आता है, गंदा होता है, मिट्टी वाला पानी होता है, तो बाल्टी में इस तरीके से उसको घुमा दिया जाता है तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। किसके किसके यहाँ पे आज भी ये वाला टोटका अपने आ जाता है कि आप बाल्टी में इस तरह घुमा दो तो मिट्टी सारी नीचे बैठ जाती, वो पानी फिर आपका यूज करने लायक हो जाता है। कमेंट करके जरूर बताना। यही जो टुकड़ा फिटकरी का है ना, ये आपकी स्किन के ऊपर एजिंग से निजात दिलाता है। लेकिन बहुत लोग जो अभी मेरे पुराने जो फैमिली मेंबर्स हो गए हैं, सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये लोग बोलते हैं कि दी डायरेक्टली हमें फिटकरी लगाने के लिए नहीं सूट हो रहा है, हमें नहीं जमता, हमें डर लगता है। तो आप तरीका बता दो। तो ये जो पैक हमने लगाया हुआ है हमारे चेहरे के ऊपर, इसके ऊपर ही अब हम करने वाले हैं हमारी फिटकरी का काम। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रोज वाटर ऐड की हूँ, ठीक है। और अब ये जो पैक हमने लगाया है, इसके ऊपर ही आप इसको थोड़ा सा लगा लीजिए, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपने, ठीक है। ये इतना सा आपने करना है। फिटकरी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। फिटकरी आपकी स्किन को श्रिंक करती है, टाइट करती है, आपके डार्क स्पॉट्स और पैचेस को इंस्टेंट रिमूव करती है, कलर को 2 से 3 टोन तक फेयर करती है, ठीक है। तो उसके ऊपर ही हम लगा लेंगे खाली। तो देखो, ये हमारे चेहरे के ऊपर लग भी गई है और इसका कोई नुकसान भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिटकरी को लगा सकते हैं। और ये जो हमारा पैक हमने तैयार किया है, अब हम जो पैक लगाने वाले हैं उसको हम अपने स्किन के ऊपर ऐसे लगाएंगे। अगर आप फिटकरी को लगाते हैं तो आप टाइमिंग का थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। अगर आप डायरेक्टली अपनी स्किन के ऊपर फिटकरी लगा रहे हैं तो आपको उसको 3 से 4 मिनट में हटा देना है। लेकिन क्योंकि मैंने इसको पैक के ऊपर लगाया है तो इसको मैं लगे रहने दूंगी, कोई ये नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। अब हम इसके ऊपर हमारे ये जो पैक है दही का और बेसन का, इसको लगाएंगे। अब बेसन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स को हटाती है और आपके जो चेहरे के ऊपर एक्सेस ऑयल आता है ना, उससे हटाती है, उसको भी हटाती है अच्छे से। और ये सारी की सारी चीज़ें देखिए आपके घर पे मौजूद भी हैं, तो आपको कुछ बाहर से खरीदना नहीं है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन के ऊपर लग जाता है। और इसको लगा के अब मैं छोड़ दूंगी एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए। आप देखना कितना बढ़िया सा रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो हम इसको छोड़ देते हैं करीब 15 से 20 मिनट के लिए। तो मैं आपको मिलती हूँ 15 से 20 मिनट के बाद में। आशा करूंगी आपको आज की मेरी ये रेमेडी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। देखिए, पार्लर जाना अच्छी चीज़ है, मैं खुद भी जाती हूँ, लेकिन जब टाइम का हमारे पास कमी हो और ऐसे फंक्शंस हमारे सर पे हो, तो ऐसे में हम घर का भी चीज़ें यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि हमें दुगना उसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है जी। तो आज की ये जो रेमेडी है, इसको आप एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा, अच्छी लगेगी तो कंटिन्यू जरूर करिएगा। नहीं तो और भी बहुत सारी रेमेडीज है जो कि मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, वहां से जाके उनको देख सकते हैं। जो भी सामान आपके पास घर पे अवेलेबल हो आप उसको यूज कीजिए। ऐसा नहीं है अगड़म शगड़म खरीदिए, बाहर से जाके खरीदिए, नहीं। जो सामान घर पे यूज कर सकते हैं आप उसको जरूर यूज करिए, देखो आपकी स्किन के ऊपर कितना बढ़िया वाला ग्लो आता है। इसी तरह से अपने त्योहारों में चमकते दमकते रहिए। और कोई क्वेरीज है और कोई समस्या है आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स आप ही लोगों के लिए खुला है। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को फॉलो कर लो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकॉन करना, ताकि आगे के फ्यूचर वीडियोस भी आप देख सके। मैं हूं रेखा सिंह, इसी तरह का और कॉन्टेंट आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी। तो एक बूस्टर के लिए आप लोगों का लाइक और कमेंट जरूर आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो चारों वीडियोज आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लेलिस्ट है मेरी, यहाँ पर बहुत अच्छी एक से एक रेमेडी आपको देखने को मिलेगी।